भारतीय टीम के युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली और इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने दूसरे देश से खेलने का फैसला कर लिया है। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की तरफ से T20 और वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, हालांकि अब तक उनको भारतीय टीम में टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनके घरेलू क्रिकेट करियर पर नजर डाले तो उन्होंने अपने करियर में फर्स्ट क्लास में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसके 12 इनिंग में उन्होंने 2.92 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 25 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी अब तक अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला है। अर्शदीप ने अब तक टीम इंडिया की तरफ से T20 इंटरनेशनल के कुल 26 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.39 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 41 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं अर्शदीप ने अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे के केवल 3 मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने अब तक एक भी विकेट अपने नाम नहीं किया है। IPL में अर्शदीप के प्रदर्शन पर नजर डाले तो उन्होंने अब तक अपने IPL कैरियर में कुल 51 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.74 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 57 विकेट अपने नाम किए हैं। अब खबर आ रही है कि अर्शदीप सिंह इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। अर्शदीप सिंह काउंटी क्रिकेट में कैंट की टीम की तरफ से डेब्यू करने जा रहे हैं। दरअसल अर्शदीप सिंह कैंट की टीम की तरफ से कुल 5 काउंटी के मुकाबले खेलने वाले हैं। 11 जून रविवार को अर्शदीप सिंह कैंट की तरफ से अपने कैरियर का पहला काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं।